Welcome back to the channel everyone. I hope you guys you're doing absolutely fine. गाइस स्मार्टफोन इंडस्ट्री में कंपटीशन काफी जोरों पर है, खास करके 21,000 से 25,000 के बीच में हर ब्रांड आने वाले दिनों में स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में है। Realme ने Realme 9 Pro Plus को लॉन्च किया तो Xiaomi कहां पीछे रहने वाला था। एनीवेज Realme 9 Pro Plus काफी अच्छा स्मार्टफोन है, लेकिन इस फोन की प्राइस ने हमें काफी ज्यादा निराश किया। अब हमारी नजर है Redmi Note 11 Pro Plus पर। आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर Redmi इंडिया ने लॉन्च का टीजर पेज शेयर किया है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 9th मार्च 2022। ये सीरीज के अंदर आपको दो स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे, एक तो है Redmi Note 11 Pro और दूसरा फोन है Redmi Note 11 Pro Plus। इन दोनों फोन का कंपटीशन होगा Realme 9 Pro सीरीज के साथ। एनीवेज Xiaomi को इन दोनों फोन को एग्रेसिव प्राइस पॉइंट पर लॉन्च करना चाहिए और अच्छे फीचर्स के साथ। अब ये जो 5G वाला वेरिएंट है Redmi Note 11 Pro Plus, इस फोन का कंपटीशन होगा Realme 9 Pro Plus के साथ। तो क्यों ना इन दोनों फोन को कंपेयर किया जाए, ताकि हमें एक बेटर आइडिया मिल सके कौन सा एक फोन किस यूजर के लिए स्पेसिफिक डिजाइन किया गया है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपका पुराना स्मार्टफोन ठीक तरीके से चलता है तो आपको नया स्मार्टफोन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फालतू में पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए। अगर आपको वाकई में जरूरत है एक नए स्मार्टफोन की, तभी आप एक नया स्मार्टफोन लीजिए। शुरुआत करते हैं बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के साथ। दोनों ही फोन में आपको फ्रंट साइड एज वेल रियर साइड ग्लास की बिल्ड क्वालिटी ऑफर की गई है। अब ग्लास का फायदा ये है, उस पर जल्दी से स्क्रैच नहीं आते और लुक वाइज फोन काफी ज्यादा प्रीमियम नजर आता है। नुकसान की बात करें तो दिल और शीशा कभी भी टूट सकता है, उसका कोई भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं होता है। डिजाइन को लेकर दोनों ही फोन में काफी ज्यादा अंतर है। Realme 9 Pro Plus की डिजाइन ऑलरेडी आप देख चुके हो, जहां पर आप देख सकते हो रियर साइड पर ट्रिपल कैमरास का सेटअप और ये फोन का जो बैक पैनल है वो कलर चेंजिंग बैक होगा, जैसे अभी आपने Vivo V23 सीरीज में देखा। Realme ने इस डिजाइन का नाम लाइट शिफ्ट डिजाइन रखा है, इंस्पायर्ड बाय सनराइज। तीन कलर ऑप्शन होंगे ब्लू, ग्रीन एंड ब्लैक। जबकि दूसरी ओर Redmi Note 11 Pro Plus में ट्रेंड के अकॉर्डिंग फुल बॉक्सी डिजाइन देखने को मिलती है, iPhone 12 और 13 की तरह। डिजाइन एक ऐसी चीज है जिसमें सबकी चॉइस डिफरेंट होती है। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आपको इन दोनों फोन में से किस एक फोन की डिजाइन सबसे ज्यादा अच्छी लगी। डिस्प्ले की ओर नजर करें तो Realme 9 Pro Plus में 6.43 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले ऑफर की गई है 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। काफी कॉम्पैक्ट साइज का डिस्प्ले है, नियर बाय 1000 निट्स की पिक ब्राइटनेस इस फोन में ऑफर की गई है। जबकि दूसरी ओर Redmi Note 11 Pro Plus में 6.61 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले ऑफर की गई है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। 1200 निट्स की पिक ब्राइटनेस यहां पर आपको देखने को मिलेगी। डिस्प्ले के मामले में क्लियर विनर है Redmi Note 11 Pro Plus। इसके पीछे के दो रीजन हैं, एक तो है 1200 निट्स की पिक ब्राइटनेस और दूसरा है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। ऑन पेपर देखा जाए तो आउटडोर कंडीशन में Redmi Note 11 Pro Plus की डिस्प्ले ज्यादा ब्राइट होगी और इसी के साथ रिफ्रेश रेट के मामले में भी Redmi Note 11 Pro Plus ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू Realme 9 Pro Plus। हालांकि दोनों ही फोन की डिस्प्ले कंटेंट वॉचिंग के लिए भी अच्छी है और गेमिंग के लिए भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन ऑन पेपर Redmi Note 11 Pro Plus की डिस्प्ले ज्यादा बेटर है। Redmi Note 11 Pro Plus में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा, जबकि Realme 9 Pro Plus में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर ऑफर किया गया है, जिसे सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं। तो इस मामले में Realme 9 Pro Plus बाजी मार जाता है। परफॉर्मेंस की बात करें, जो कि किसी भी स्मार्टफोन का एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, Redmi Note 11 Pro Plus में Qualcomm Snapdragon 695 प्रोसेसर ऑफर किया गया है, जबकि Realme 9 Pro Plus में MediaTek Dimensity 920 प्रोसेसर ऑफर किया गया है। दोनों ही प्रोसेसर 6nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हैं, मतलब काफी ज्यादा पावर एफिशिएंट प्रोसेसर हैं। सिंपल लाइन में अगर मैं आपसे कहूं, डे टू डे परफॉर्मेंस में आपको दोनों ही फोन से सेम परफॉर्मेंस मिलने वाली है, कोई भी मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर आप ज्यादा गेमिंग करते हो हाई ग्राफिक वाली, तो ऐसे में आपके लिए Realme 9 Pro Plus एक बेटर ऑप्शन है। कैमरा सेक्शन की ओर नजर करें तो दोनों ही फोन में काफी ज्यादा अंतर है। Redmi Note 11 Pro Plus में रियर साइड पर ट्रिपल कैमरास का सेटअप होगा, 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर विद इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबिलाईजेशन,
8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, मैक्सिमम 4K 30 FPS तक आप वीडियो शूट कर सकते हैं। इसी के साथ सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का। जबकि दूसरी ओर Realme 9 Pro Plus में आपको फ्लैगशिप लेवल के कैमरास देखने को मिलेंगे। यहाँ पर भी रियर साइड पर ट्रिपल कैमरास का सेटअप होगा, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर सोनी IMX766 सेंसर के साथ। इसी के साथ ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाईजेशन का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी अच्छी चीज है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। इसी के साथ फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का होगा सोनी IMX471 सेंसर के साथ। एक और इंटरेस्टिंग चीज, इस फोन के फ्रंट कैमरा के अंदर भी आपको इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबिलाईजेशन का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। कैमरा सेक्शन में भी Realme 9 Pro Plus काफी अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर फ्लैगशिप लेवल के कैमरास Realme ने ऑफर किए हैं। बैटरी कैपेसिटी की ओर नजर करें तो यहाँ पर भी दोनों ही फोन में काफी ज्यादा अंतर है। Realme 9 Pro Plus में 4500 mAh की बैटरी ऑफर की गई है, जबकि Redmi Note 11 Pro Plus में 5000 mAh की बड़ी बैटरी ऑफर की गई है। तो यहाँ पर बैटरी कैपेसिटी के मामले में Redmi Note 11 Pro Plus आगे निकल जाता है। चार्जिंग स्पीड की बात करें तो दोनों ही फोन में कोई खास ज्यादा अंतर नहीं है। Realme 9 Pro Plus में आपको 60 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी, जबकि Redmi Note 11 Pro Plus में 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग ऑफर की गई है। एडिशनल फीचर्स की बात करें तो दोनों ही फोन में टाइप सी पोर्ट, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर, 3.5mm ऑडियो जैक, आउट ऑफ द बॉक्स Realme 9 Pro Plus Android 12 पर होगा, और इसी के साथ Realme UI 3.0 का यूजर इंटरफेस। जबकि दूसरी ओर Redmi Note 11 Pro Plus आउट ऑफ द बॉक्स Android 11 पर होगा, और इसी के साथ MIUI 12.5 का यूजर इंटरफेस। हालांकि इस फोन में भी आपको Android 12 का अपडेट देखने को मिल जाएगा, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स लीक्स के अकॉर्डिंग ये फोन Android 11 पर होगा। ओवरऑल दोनों ही फोन के बीच में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है कैमरा सेक्शन को लेकर, जहां पर Realme 9 Pro Plus बाजी मार जाता है फ्रंट कैमरा एज वेल रियर कैमरा। बाकी ऑलमोस्ट दोनों ही फोन में सारी चीजें सेम है। अगर आपको फ्लैगशिप लेवल के कैमरास चाहिए तो ऐसे में आप Realme 9 Pro Plus को कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक अच्छी डिस्प्ले चाहिए, बड़ी बैटरी चाहिए, इसी के साथ आईफोन की तरह बॉक्सी डिजाइन चाहिए, तो आप Redmi Note 11 Pro Plus का वेट कर सकते हैं। तो ये थे दोस्तों Redmi Note 11 Pro Plus के लीक्स के अकॉर्डिंग जो फीचर्स सामने आए थे, उसके बेसिस पर Realme 9 Pro Plus के साथ कंपैरिजन। बाकी दोस्तों आप बताइए, क्या आप Realme 9 Pro Plus को कंसीडर करोगे या फिर Redmi Note 11 Pro Plus का इंतजार करोगे? इसी के साथ इन दोनों फोन को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपको मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बी सेफ। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपने चाहने वालों का।